नमस्कार विद्यार्थियों, सूरदास नामक अध्याय का राधा कृष्ण प्रसंग का अध्ययन हम कर रहे हैं। और राधा कृष्ण प्रसंग का प्रथम जो पद था, इस अध्याय का 10वां पद, वह हमने पढ़ लिया है। आज हम राधा कृष्ण प्रसंग से ही दूसरा पद और इस अध्याय का 11वां पद का अध्ययन करेंगे। पद हैं, तुम जानती राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है पूरन ज्ञान, न बुद्धि की मोटी, हमसों सदा दुराव कियो इही, बात कहे मुख चोटी पोटी, कबहू श्याम ते नेकू न बिछुरती, किए रहती हमसों हट ओटी, नंद नंदन याही के बस हैं, बेबस देखी बेदी छवि चोटी, सूरदास प्रभु वे अति कोठे, यह उन्हों ते अति ही खोटी। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित हैं और राधा कृष्ण नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इसमें कवि सूरदास ने नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से राधा के विषय में कह रही है कि राधा तो भोली भाली न होकर के बहुत ही चतुर हैं, जो कृष्ण को अपने वश में किए रहती हैं। तुम जानती राधा है छोटी, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, एक गोपी दूसरी से कह रही है कि तुम जानती राधा है छोटी। गोपी कहती है कि तुम इसे छोटी जानती थी, तुम जानती राधा है छोटी, तुम राधा को छोटी जानती थी, या तुम इतना ही जानती हो कि राधा छोटी सी हैं, भोली वाली हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चतुराई अंग अंग भरी है पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। जिस राधा को तुम छोटी भोली भाली सी मानती हो, वह राधा तो बहुत ही चतुर है, उसके अंग अंग में चतुराई भरी हुई है, पूर्ण ज्ञान, और उसको हर बात का ज्ञान है। न बुद्धि की मोटी, वह बुद्धि की मोटी नहीं, मोटी बुद्धि की नहीं है, बल्कि वह तो चतुर है। मोटी बुद्धि की होना यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, का मतलब अल्प ज्ञान वाला, कम ज्ञानी। वह मोटी बुद्धि की यानी मूर्ख नहीं है, बल्कि वह तो चतुर है, पूर्ण ज्ञान है उसके, उसे तो सब बातों का ज्ञान है, उसके अंग अंग में चतुराई भरी हुई है। हमसो सदा दुराव कियो इही, दुराव करना, दुराव करना यानी छिपाना, दुराव छिपाव का व्यवहार करना, कि इसने हमसे हमेशा ही सदा ही दुराव किया है, दुराव छिपाव का व्यवहार किया है, अर्थात यह कुछ न कुछ हमसे छिपाती रहती है। बात कहे मुख चोटी मोटी, यह तो मुख से चोटी की बात करती है, क्योंकि यह दुराव छिपाव की बात करती है, यानी स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहती, बल्कि घुमा फिरा कर बात करती हैं। इसीलिए यहाँ गोपी कह रही कि यह तो मुख से चोटी की बात करती है। बात कहे मुख चोटी पोटी, यानी मुख से चोटी की बात करती हैं, अर्थात इसकी बातों का अर्थ कुछ और ही होता है। आगे कह रही हैं, कबहू श्याम ते नेकू न बिछुड़ती, यह कभी श्याम से पल भर के लिए भी नहीं बिछुड़ती, यानी हमेशा श्याम यानी कृष्ण के पास ही बनी रहती हैं, कभी उससे दूर नहीं रहती, किए रहती हमसों हट ओटी, और यह हमसे हट जिद करती रहती हैं, हमसे जिद या हट करती हैं, और उस हट में भी यह ऐसा व्यवहार करती हैं
जो हमें ज्ञात नहीं होता, यानी कुछ न कुछ ये छिपाती है। इसकी मन की बातों को हम जान नहीं पाते। आगे कहती है, नंद नंदन याही के बस है। वह नंद नंदन, नंद का पुत्र कृष्ण इसी के बस में है, इसी के वश में रहता है। क्योंकि विवश देखी बेदी छवि चोटी, वह इसके बेंदी, ये बेंदी हैं, बेंदी यानी बिंदी, और छवि यानी सौंदर्य शोभा, चोटी यानी चोटी, यह उसकी जो सुंदरता है बनावटी सौंदर्य उसके वश में रहते हैं। कृष्ण इसी के वश में हैं और विवश रहते हैं इसकी बनावटी सौंदर्य में। यह जो बेंदी और चोटी आदि बना करके जो बनावटी श्रृंगार करती हैं उस श्रृंगार पर मोहित रहते हैं और इसके विवश हो जाते हैं, इसी के वश में रहते हैं, इसके वश में हो जाते हैं, इनके वशीभूत हो जाते हैं। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्होंते अति ही खोटी। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपी बता रही हैं दूसरी गोपी से कि वे प्रभु कृष्ण तो अति खोटे पहले से ही हैं, वे कृष्ण तो पहले से ही खोटे स्वभाव के हैं, और यह राधा तो उनसे भी ज़्यादा, उन्होंते अति ही खोटे, उनसे भी ज़्यादा खोटी हैं। अर्थात उन जो ये भोली वाली दिखती है, भोली वाली न होकर के यह तो बहुत ही चतुर हैं, बहुत खोटी हैं। तो इस प्रकार यहाँ एक गोपी की राधा के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, क्योंकि राधा के वशीभूत हैं कृष्ण, उसके प्रेम में या उसके सौंदर्य पर मुग्ध हैं, तो एक गोपी राधा के प्रति ईर्ष्या के वशीभूत हो, इस प्रकार की बातें कहती हैं कि राधा सीधी सादी या भोली भाली न होकर के अति चतुर हैं। और नारी मनोविज्ञान का सुंदर की सुंदर व्यंजना की गई है, अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, भावानुरूप पद योजना है। धन्यवाद।